हाल ही में उमर रियाज स्पॉट हुए जरीन खान की बर्थडे पार्टी पर। इस पार्टी में ना सिर्फ उमर बल्कि करण, तेजस्वी और अफकोर्स राजीव बदातिया, ये सभी लोग साथ में नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दौरान जब उमर रियाज के सामने रश्मि देसाई का जिक्र किया गया और उमरश के बारे में पूछा गया, तो उमर रियाज ने इस बात को सीधे सीधे कैसा रिस्पांस दिया, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिनेस्थेटिक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। आप चाहें तो इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्योति नाहक 7 इज माई इंस्टाग्राम आईडी। उमर रियाज ने जैसे ही वहां पर माहौल जमा और मीडिया आती है, ऑफकोर्स पैपराजी होते हैं वहां पे, वो लगातार किसी भी इवेंट पे अगर आप जाओ वहां पे वो सवाल पूछते हैं, तो ऐसे में इतने सारे लोग एक साथ काफी वक्त बाद नजर आए थे। और हम सभी जानते हैं कि अब उमरश एक साथ नहीं है, उमर और रश्मि की फ्रेंडशिप भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में पैपराजी ने उनसे सवाल किया कि रश्मि देसाई और आपका जो उमरश का बॉन्ड है उस पर क्या कहना चाहेंगे, जिस पर उमर रियाज का रिएक्शन कुछ ऐसा था, भाई बस 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 बस। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर तरफ वायरल है, आप चाहें तो सर्च कर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि उमर रियाज जो है, ना सिर्फ उमर ने बल्कि करण कुंद्रा ने भी रश्मि देसाई को पूरी तरह से अवॉइड किया और कहा कि ओए ये सब सवाल नहीं पूछने कहीं पर। सो ना ही तेजस्वी ने, ना ही उमर ने, ना ही करण ने और ना ही राजीव ने, इन चारों ने ही रश्मि देसाई को लेकर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया और रादर अवॉइड करते नजर आए, जहां पर रश्मि के फैंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वेल, इस बारे में आपकी क्या है राय, आपको क्या है कहना, बताइएगा जरूर।